इस तरीके से हमारा सामान आया है। हो गया बंद? हो गया ना बीबी, आ तो गई हूँ लेकिन मैं पीछे देखूंगी कैसे। चलो अब नहीं दिखेगा तो फिर एडजस्ट करेंगे ना, इंसान को लाइफ में एडजस्ट करना पड़ता है। मेरे पास रुको रुको, पकड़ो। क्या हुआ? दिख रहा है, दिख रहा है। पकड़ो पकड़ो, रास्ता है मेरे पास। लेकिन मेरे को दिख रहा है बीबी। अरे मैंने कहा मुझे दिख रहा है, ये नीचे जा सकता है। अरे आदमी मुझे दिख रहा है। चलाओ औरत फिर। चलिए जी, लेकिन इसका ये ऊपर नीचे का कलर अलग है। हाँ, तो वो तो कॉम्बिनेशन है उसका। I didn't like this combination at all. कोई और कुछ और होगा, कलर कुछ और होगा। भाई साहब ये तो कैसे खत्म होगा हमारा मामला। वैसा कुछ नहीं लेना क्या येलो में और उसमें? इतना चटक येलो थोड़ी होगी। देखो अगर तुम्हें ये बड़ी लग रही है ना, हाँ, तो ये वाली ले सकते हैं छोटी में। इसमें कौन बैठेगा? कैंडी? हाँ कैंडी भी है, और कैंडी के जब बच्चे भी होंगे वो भी आ जाएंगे ना इसी में। मतलब अभी कुछ आगे का हुआ नहीं, बच्चों की तैयारी पहले है, अपना तो देख लो पहले, खुद का हो नहीं रहा है। कैंडी के बच्चे चाहिए इसको। ये लाल कुर्सी ले लो जादू टोना करने के लिए। इस पे बैठ जाना, ग्लोब कांच का वो लेके, ग्लोब तांत्रिक ही लग रही हो। दलेर मेहंदी वाली टी शर्ट भी पहनी है। Oh my God! क्या हो गया? Oh God! Oh! This is too much, यार। देखो ये 17 जाता है। ये क्या है? जब कम पानी आए तो इस बाल्टी में नहा लो। So nice, baby. तुम नीचे पे आके क्यों अटक जा रही हो बार बार? ऐसी क्या हो जा रहा है मुझे? मैं इधर ही आके अटक रही हूँ यार। इसको हॉल में रखना है कि लाउंज चेयर की जगह बताओ? रख सकते हैं। ये देखो यहाँ पे चेयर्स की वैरायटी की लाइन लगी हुई है। देखो कॉफी चेयर्स ले लेते हैं बेबी। कॉफी चेयर्स रखेंगे कहाँ? घर पे। घर पे कहाँ पे? घर पे रखेंगे ना। घर पे कहाँ पे? देखेंगे। ये कहाँ के लिए? कॉफी के लिए। लेकिन अगर वो देखो इसमें वाइट भी शायद मिलेगी, देखे क्या? कॉफी एरिया के लिए इसमें वाइट मिल जाए तो काम हो जाएगा। वाइट देखो यहाँ पे वो वाली है, वैसी है लेकिन वो बड़ी बार वाली है। हाथ क्यों टूटे हुए हैं? हाथ की जरूरत नहीं है ना, ऐसे बैठोगे? विजय दीनानाथ चौहान, ये लग रहा है कुत्ते भगा रही हो। उसने वो ले लेते हैं ना, क्या ये कर व्हाइट में आता है ना, व्हाइट कांच में आता है, मतलब कांच नहीं व्हाइट कांच। चलो आगे चले गए ना, ऐसे ऐसे दो ले लेते हैं है ना व्हाइट में। क्या ये ऑर्गेनाइजर? क्या ऑर्गेनाइज करना है इसमें? क्या ऑर्गेनाइज करना है इसमें? अरे मेरे कॉफी के कैप्सूल वगैरह इसमें ऐसे ऑर्गेनाइज करेंगे ना। ये ऑर्गेनाइजर व्हाइट में तो मिला नहीं तो ग्रे में ले रहे हैं। ये क्या है? प्राइस क्या लिखा है? 199 ना। क्यों ले रही हो ये? अरे घर के लिए ले रही हूँ ना, जैसे ही हम लोग किचन एरिया में पहुँचे हैं इसको बुक की लग गई है। कॉफी चाहिए इसको अब इसको ब्रेक चाहिए, मुझे नहीं चाहिए इसको चाहिए। पैर थक गए, घंटा हो गया ना घूमते घूमते। चप्पल पहन के आए हो तुम? ये देखो मैं भी कितना कम्फर्टेबल हूँ। चलो तुम्हें कॉफी पीनी है? कॉफी कम ऑन। ये अच्छी अगर इसमें कलर मिल जाए ना। ये उतनी बड़ी है बेबी। ओ उसी में। अच्छा इसका पूरा थीम पिंक है देखो। कितना चेयर भी पिंक है। दिस इज वेरी मीन। हैं ये है 1400 रुपए का। लेकिन वो ऐसे लटकाने वाले होते हैं वो कैसे लगेगा? ये वो नहीं है, वो तो साथ में आता है ना लटकाने वाला, उसके वो ही चाहिए। आगे मिलेगा। ये अच्छा है, ये ले लो। फोटो ले लूंगा तो ले लेते हैं ना। हाँ ले लो ना। इसका ऊपर कवर भी तो होगा कि नहीं है? नहीं खाली है, ऐसे ही है। खाली है ये? हाँ। कवर चाहिए? कवर तो नहीं। अब थोड़ा और भी ऐड करोगे तो चलेगा मुझे ऊपर तक। नो नथिंग, थैंक यू बेबी। इट इज आउटस्टैंडिंग है। हम आपको बता रहे हैं जो रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ के, जो पूरा एरिया है और जिस तरह से ये लोग मतलब जिस तरीके से ये सर्विंग हो रही है और लोग लेके लेके रहे हैं, एक तो बड़ा अनकॉम्प्लिकेटेड है और बड़ा ही इजी है। एंड जो कॉफी हमें मिल गई है ना, जो मतलब वही वाली जो हम पीते हैं, अगर आपको वो चीज मिल जाए देन यू कैन नॉट ईट, और आपको वो चीज मिल जाए एटलीस्ट व्हाट यू कैन हैव इज कॉफी एंड दैट इज माय फेवरेट। और वो आपको इतनी अच्छी मिली है ना यहाँ पे यार, मतलब मैं आइकिया को 100/100 देती हूँ। क्यों क्या बोलते हुए? एवरीथिंग इतना सॉर्टेड है कि आपको कोई भुलेखा हो गई नहीं। दो अब हमारी कमर टूट गई है, अभी हमसे हो नहीं रहा, बट फिर भी थोड़ा सा बैठेंगे हम लोग, कॉफी वॉफी पियेंगे और फिर चार्ज अप हो जाएंगे। सी दिस इज हाउ दे सर्व।
अगर हम लोग खा रहे होते तो बेबी कितनी अच्छी तरह से खा लेते ना। ट्रे में इतने बड़े बड़े लोग लेके जा रहे हैं सारे, वो देखो कैसी ट्रे है। देखो एक दिन आइकिया मैंने सिर्फ खाने आएंगे, खाने आएंगे मतलब ये ऐसी जगह है कि जहाँ पे आप सिर्फ खाने भी आ सकते हो। चीयर्स बेबी चीयर्स। ये बता दो आइकिया कहाँ पे, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे नवी मुंबई में। हाँ, और मैं आपको बता दूँ कहीं हैदराबाद पहुँच जाओ आइकिया के लिए, आइकिया नवी मुंबई में भी है। लोग सेकंड फ्लोर पे आए हैं और सेकंड फ्लोर पे आके बेसिकली ये मार्केट एरिया है। मैंने आपको छोटा छोटा जितना भी ऊपर बड़ा बड़ा स्टफ दिख रहा था यहाँ पे वो भी मिलेगा, और आई थिंक कुछ एक्स्ट्रा भी मिलेगा ऐसा हमें कहा गया है। आ गए हम लोग, देखते हैं। और अविनाश इतना फ्रस्ट्रेटेड है ना क्योंकि ये खाना नहीं खा पाया। मैंने तो नहीं कहा तुम खा सकते थे, साथ में डाइट तोड़ेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा ना। तो मेरे ऊपर क्यों डाल रहे हो, मैं डाइट कर रही हूँ, घर की बात घर में रह जाएगी। खा लो ना, खा लो। What is this? नमक छिड़कने वाला लगता तो वही है लेकिन लग नहीं रहा। जले पे नमक छिड़कने वाला है ये वो है क्या? हाँ। क्योंकि लग नहीं रहा, ये कुछ और है। वो ले लो ना, बोल दो हमें समझ में नहीं रहा, हम गुस्से में फ्री में ले जाएंगे। क्योंकि ये क्या पौधे लगाने वाला? नहीं नहीं, आई थिंक ये वो है। इफ योर डॉग पूप्स प्लीज स्कूप, डॉग पूप प्लीज स्कूप, और करके स्कूप करके स्कूप करके दूसरे की बैल्कनी में पड़ोसी की। बॉटल नहीं लेनी, छोड़ दो वहीं छोड़। एरिया में और कमाल कमाल की लाइट है। मुझे अपने एक बेड साइड के लिए चाहिए और एक लाउंज चेयर के पास के लिए बड़ा लैंप चाहिए, वो ढूंढ रहे हैं। देखो ये निकला, अब इसको आप कहीं पे भी लगा दो, बस बात ही की। देखो जैसे ये मेरे को पीछे को चाहिए। हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो मेरे जो बाथरूम की साइड से टेबल है, हाँ, अगर मैं इधर से बाथरूम की तरफ से क्लिप लगाऊं, हाँ, ऐसे करके, हाँ, अच्छा। तो आगे मेरे टेबल पे और इसने स्पेस भी कुछ भी नहीं लिया, लेकिन इसको कम से कम इतना स्पेस चाहिए ना। लेकिन ये वाला जो है ये मेरे बेड साइड पे नहीं लग पाएगा, लग जाएगा ऐसे करके, बेड पे नहीं लग सकता, नहीं लगेगा। तो ये मैंने क्लिप लैंप ढूंढ लिया, मुझे काफी दिन से जरूरत थी अपने बेड साइड पे लगाने की, वहाँ लैंप की जगह नहीं है। दो है, मुझे एक चाहिए बेबी जिसकी बहुत लंबी वायर हो शूटिंग के लिए। ये आ गए हम प्लांट्स वाले सेक्शन में और टांगने वाले पेड़ ढूंढ रहे हैं। आओ मिलेंगे, इधर आ जाओ। शायद प्लांट्स रखने के लिए, वेरी नाइस यार। देखो प्लांट्स में पानी देने के लिए बहुत अच्छे अच्छे हैं, ये देखो नहीं वाला। तो जी हम लोग का सामान ज्यादा हो गया तो हम लोगों ने ट्रॉली शिफ्ट कर ली है। मुझे ऐसा लगता है जितना सामान हम लोग अभी यहाँ से ले चुके हैं ऑलरेडी, वो आपको मैं घर पहुँच के अलग से मैं दिखा दूंगी, बिकॉज इस समय ब्लॉगिंग करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। दोस्तों हमारा सारा सामान आ चुका है, बिलिंग भी हो चुकी है और अलग अलग जगह से रैक से जाके यहाँ पे अपना सामान पिकअप करना पड़ता है आपको, तो मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया हूँ। आई विल शो यू कितना सारा सामान हुआ हमारा। एक ये ट्रॉली है, एक वो ट्रॉली है, एक ये बैग है और एक ये ट्रॉली है, और ये सबका सब फर्नीचर है घर पे जाके असेंबल करना पड़ेगा या करवाना पड़ेगा। अभी देखते हैं गाड़ी में फिट हो रहा है नहीं, गाड़ी में फिट नहीं हुआ तो फिर हमको इसकी डिलीवरी करवानी पड़ेगी, बट आई थिंक ज़्यादातर तो हो ही जाना चाहिए। आई विश कि पूरा हो जाए। कुछ है मोहतरमा, तीन तीन ट्रॉलियां हैं, अभी तो कैसे जाएंगे घर, आ जाएगा सामान गाड़ी में। ट्रॉली पे ही चलते हैं। बेबी तुम ट्रॉली पीछे खड़ी करके जरा ये पकड़ लो। ये तो एक ही आया बस, बाकी इसके अंदर ना मैं बताती हूँ, ये पॉलिथिन वाले सामान इसके अंदर डाल दो, नहीं बंद हो रहा इसको तो मंगाना ही पड़ेगा डिलीवरी। नहीं नहीं कुछ करते हैं, देखो देखो क्या हुआ, नहीं आ रहा सामान, ही नहीं आ रहा गाड़ी में। ये कैसे कैसे करके एडजस्ट किया, हो गया क्या, हो गया, ये रहता है और वो रहता है, इस तरीके से हमारा सामान आया, हो गया बंद, हो गया ना। बीबी आ तो गई हूँ लेकिन मैं पीछे देखूंगी कैसे, चलो मैनेज करते हैं। मैंने बोला था कि बड़ी वाली लाउंज चेयर डिलीवरी करवा लेते हैं, पूरी गाड़ी भर ली। मैं अभी आगे भी कर दूंगी ना इसको थोड़ा सा, वो तो ठीक है, तुम पीछे तो बिल्कुल नहीं दिखेगा। चलो अब नहीं दिखेगा तो फिर एडजस्ट करेंगे ना, इंसान को लाइफ में एडजस्ट। एक और रास्ता है मेरे पास, रुको रुको पकड़ो, क्या हुआ, दिख रहा है, दिख रहा है, पकड़ो पकड़ो, रास्ता है मेरे पास, लेकिन मेरे को दिख रहा है बेबी। अरे मैंने कहा मुझे दिख रहा है, ये नीचे जा सकता है, अरे आदमी मुझे दिख रहा है, चलाओ औरत फिर। चलिए जी अब मिलेंगे आपको सीधा घर पे। तो जी हम लोग आ गए बिल्डिंग की लिफ्ट में, सामान हमने कुछ भी नहीं लिया, सामान गाड़ी में ही है, कल ही लाएंगे आपको, कल असेंबल करने वाला आएगा तो वही सब असेंबल करेगा, असेंबल करके आपको साथ साथ दिखाते आएंगे कि हमने क्या क्या सामान लिया है। और अब हम लोग ब्लॉग यहीं पे एंड कर रहे हैं, बहुत थक गए हैं, चाय पियेंगे, बच्चों के साथ रहेंगे, तो आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज एंटरटेनमेंट।
अच्छा ये संभावना था, रिसेट था। हाँ। हे भगवान। मतलब कुछ भी ना, कुछ भी कर दो, मतलब दुनिया प्यार कर रही तो कुछ भी कर दो।